नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार दीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलोकां दधतं मृतघटम् चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गम् कटितट हम सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की संभाषण बहुत अच्छा हो जाएगा। कल देहरादून में ना बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए ना नेटवर्क नहीं था, तो इसलिए कल 9 बजे हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि सर से बात हो रही थी लेकिन सर बोले कि लैपटॉप ही नहीं चल रहा है और नेटवर्क तो है ही नहीं, तो इसलिए कल की संभाषण नहीं हुई थी। तो हम आयुष दर्पण के टीम की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों को जो भी केस बताना है वो अभी बता सकते हैं, और अगर नहीं बताना है तो आप लोग मेरा सुनिए, मैं कुछ केसेस बताता हूँ जो मुझे फायदा हुआ बालों के बीमारी के लिए। आजकल क्या है कि बालों का बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कैसे सोचना चाहिए। तो क्या होता है ना कि केश अगर हम लोग देखते हैं बाल, तो दोष धातु मल से क्या संबंध है, तो अस्थि और केश का क्या संबंध है, तो कफ पित्त मला केशु प्रस्वेदो नखरो मच स्नेहाक्षी त्वक विषा मोजो धातु नाम क्रमशो मलहा, और यह अष्टांग हृदय का श्लोक है। और शारंगधर संहिता में बोला है स्वेदो दंतस तथा केशः तथा ओजश्च सप्तममा, और चरक सूत्र स्थान में बताया है कि केश यह है वो अस्थि धातु का मल बताया है। केश लोम नख श्रमश्रु दोषा च अस्थि प्रदोषजा, मतलब अगर शरीर में अस्थि धातु बिगड़ जाता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बालों पे आता है ना। ये हमारे ग्रंथकर्ता का मत है। और बोल रहे हैं कि केशाह मजोपधातु, मज्जा का उपधातु भी बालों को कहा गया है। ये दीपिका टीका जो है चरक संहिता शारंगधर संहिता की, उसकी टीका है दीपिका टीका, उसमें कहा गया है। उसी तरह से सारत्व का परीक्षण बोलते हैं, सार असार का बात करते हैं, तो रस और केश का बहुत ज्यादा डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि रससार व्यक्ति जो होता है, जब हम प्रकृति परीक्षण करते हैं तो उसके साथ में सारता परीक्षण भी करते हैं, तो रससार व्यक्ति जो होता है उसके बालों के बारे में बोला है, पूरा शरीर के बारे में बोला है कि तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोभा प्रभव च त्वक त्वक साराणाम तु प्रसन्न मृदुत्व रोमाणाम त्वक सारम च विद्या त्वक सरम ति रससारम, मतलब रससार व्यक्ति की त्वचा और पूरे शरीर में रोम बहुत मृदु होते हैं, सुप्रसन्न होते हैं और पूरे बाल अच्छे होते हैं, क्योंकि रस का तर्पण कहाँ से होता है, रस का तर्पण बालों में डायरेक्ट होता है, मतलब तो बालों का तर्पण जो है वो रस से डायरेक्ट होता है। जो हम खाना जैसा खाएंगे, अगर हम नमकीन बहुत ज्यादा खाएंगे तो बाल सफेद होने लगेंगे, अगर हम बहुत ज्यादा खट्टा खाएंगे, अचार और जैम जेली टोमेटो सॉस चिली सॉस खाएंगे तो बाल सफेद होने लगते हैं। तो रस धातु अगर दूषित हो गया तो उससे रोग जो होते हैं उसमें चरकाचार्य जी क्या बोलते हैं सूत्र स्थान में, नाशे अग्नौ अयथाकालम वलेह पलितानि च, चरक सूत्र स्थान 28 में बता रहे हैं कि पलित मतलब बाल सफेद होना, और ये क्यों होता है, तो रस धातु अगर बिगड़ जाता है तो उससे बाल हमारे सफेद हो जाते हैं।
इसलिए जो रसायन चिकित्सा बोली गई है वह अग्नि को ध्यान में रखते हुए रस से रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र तक सब धातुओं का अच्छे से पोषण हो, इस तरह से रसायन बताया गया है। इसी तरह से मेद और केश का क्या संबंध बताया है, तो वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंतोष्ठ मूत्र पुरुष शिशु विशेषता स्नेहो मेधा सारानाम। मेद सार व्यक्ति जो रहता है उसके केश लोम स्निग्ध होते हैं, जहां जहां केश के रोग होते हैं वहां वहां मेद धातु को भी हमें ध्यान में रखना है, रस धातु को ध्यान में रखना है, अस्थि धातु को रखना है, मेद को रखना है। उसी तरह से स्वेद और केश को बात ध्यान में रखना है, स्वेदा केश त्वक सौकौमर्याद, मतलब केशों का सौकुमार्य जो है, केश सुकुमार हैं, अच्छे हैं बाल, मतलब पसीने पे है। जो लोग एसी में बैठ के रहते हैं उनको पसीना नहीं आता है, उनके बाल देखे, उनके बाल बहुत ड्राई होते हैं, और जो तेल नहीं लगाते वो तो बाल झड़ने भी लगते हैं, टकले हो जाते हैं। और लड़कियों के भी ब्रिटल हेयर्स रहते हैं, दो मुखे होते हैं, तीन मुखे होते हैं। केश लोम धरणा अपि, मतलब स्वेद जो है वह मध्यम त्वचा में स्नेह को लेके केश और रोम इसको धारण करता है, ऐसा भी कहा गया है सुश्रुत संहिता में। स्वेदस्य क्लेद विद्रति, स्वेद जो है वह क्लेद को धारण करता है और वह बालों को भी धारण करता है। स्वेद स्वेदो वाहनम स्रोतसा मेलोमलम रोम कुपाश्च स्वेदशम रोमच्युति, मतलब अगर स्वेद का क्षय होता है तो बाल रोम जो है वो झड़ने लगते हैं, जैसे कि केमोथेरेपी होता है, केमोथेरेपी में स्वेदो व स्रोतस जो है वो डैमेज होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, इतनी उष्णता बढ़ जाती है, और स्वेद में पित्त का आश्रय रहता है, तो पित्त से स्वेद ऐसे जो बताए, तो जहां पे स्वेद व स्रोतस को अफेक्ट हुआ तो वहां पे रोमकूप गिरने लगते हैं, आईब्रो भी गिरने लगा, आई लैशेस के भी बाल गिरने लगते हैं। उसके बाद में काश्यप संहिता में क्या बताया है कि केश भूमि जो है हमारे स्काल या पूरा स्किन जो केश भूमि है वह स्निग्ध रक्तवर्णीय निर्मल और वर्ण रहित व्रण रहित रहना चाहिए, तो वो केश भूमि श्रेष्ठ बोलते हैं, मतलब स्निग्ध रहना चाहिए, जो स्काल्प है ना वो हमारा स्निग्ध हमेशा रहना चाहिए, और वहां पे स्नेहन हमेशा होना है, इसलिए शिरोभ्यंग रोज करना चाहिए, नहाने के बाद आप बाल सुखा के रोज तेल लगाएं, वो स्निग्ध रहना चाहिए, रक्त वर्ण का होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, और व्रण नहीं होना चाहिए, जख्म वगैरह नहीं होना चाहिए, और वहां पे स्काल्प सोरियसिस वगैरह है तो केश भूमि श्रेष्ठ नहीं है, फिर वहां पे बालों का प्रॉब्लम जरूर रहेगा। तो केश का अगर हम लोग शारीर देखते हैं, एनाटॉमी, तो उसमें कौन कौन से चीजों को ध्यान में रखना है, तो अस्थि धातु का ये मल है केश बाल हेयर्स, मज्जा धातु का उपधातु है, स्वेद का स्वेद से धारण होता है, रस धातु और मेद धातु की स्निग्धता इसको हमेशा पोषण करती है, और ये जो बाल है वो पितृज भाव है, अगर पिता की तरफ से अच्छे शरीर में हमारे हड्डियां मिली हैं और बाल मिले हैं तो पितृज भाव अगर अच्छा है तो बाल भी हमारे अच्छे रहेंगे, अगर पिता का बाल झड़ गया है, पिता टकले हैं, दादाजी टकले हैं, तो बच्चा भी टकला हो जाएगा, क्योंकि पितृज भाव ऐसा नहीं मिला है, इसलिए पितृज भाव को एक तो ओरिजिनल नहीं मिला है, तो हमें वहां पे अस्थि पोषक वटी प्रवाल पंचामृत ये सब देना पड़ता है, कैल्शियम के सप्लीमेंट, ये अस्थि धातु अच्छा मिले। इसी तरह से ऐसा बोल रहे हैं कि बाल झड़ने का क्या कारण है, तो अस्थि वाहिनी दुष्यंती वातलानाम च सेवनात्, अस्थि व स्रोतस कब दूषित होता है, जब वातकर आहार अन्न पदार्थ का सेवन किया जाता है, अस्थि क्षय हो गया तो क्या होता है, सदनम दंत ने केश नखादिशु, मतलब जब अस्थि क्षय होगा तो क्या होगा, दांत फिर बाल और नाखून गिरने लगते हैं। उसी तरह से मज्जा वाहिनी दुष्यंती विरुद्धानाम च सेवनात्, मतलब विरुद्ध स्वरूप का आहार विहार जब करते हैं तो मज्जा व स्रोतस की दुष्टि होती है, और मज्जा धातु का उपधातु केश बताया है, तो जहां पर मज्जा मतलब मस्तुलुंग मस्तिष्क और पूरे जो अपने नर्व्स हैं वो सबको मज्जा बोलते हैं, अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, चिंता है, क्रोध है, भय है, तो बाल झड़ने का तकलीफ बढ़ जाता है ना। इसी तरह से और अगर स्ट्रेस बहुत है और बाल झड़ रहे हैं किसी को तो वह रुकते नहीं है, उसमें चिकित्सा में हमें स्ट्रेस पे काम करना होता है, शिरोधारा करना होता है, तेल धारा करना होता है, फिर मानस मित्र कुटिका स्मृति सागर रस और काउंसलिंग, ये सब मन की चिकित्सा करनी पड़ती है, तभी वो मज्जा अगर अच्छा होगा तो फिर बाल अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा जहां पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है ना वहां बाल सफेद होते हैं या बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इसमें मज्जा अस्थि मज्जा पाचक जो बताया है, गुड़ुची आंवला का मुस्तम, गुड़ुची आंवला और मुस्ता का सेवन कराने से बालों में 100% फायदा होता है, आप लोग जो भी बालों के पेशेंट आते हैं सभी को अस्थि मज्जा पाचक जरूर दीजिएगा। इसी तरह से रस की स्निग्धता अगर चाहिए तो रस की स्निग्धता से बाल अच्छे बनते हैं, तो रस दुष्टि करने वाला निदान जो है
जैसे गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशनताम रस वाहिनी दुष्यंती चिंताराम अति चिंतनात। मतलब गुरु पदार्थ नहीं खाना है जो रस व स्रोतस को दूषित करे। शीतल चीजें, ठंडी चीजें, जो फ्रिज का चीजें खाते हैं और उसको खाने से अग्निबंध होता है, रस अच्छा नहीं बनता है। अति स्निग्ध नहीं खाना है, बहुत ज्यादा तेल वाला चीज नहीं खाना है, और बहुत ज्यादा समशन नहीं करना है, मतलब विषमाशन और अच्छा और बुरा दोनों साथ में खा रहे हैं। और चिंत्याताति चिंतनात्, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, उससे रस वाहिनी दूषित दूषित होती है, और उसका इफेक्ट बालों का सफेद होना और बालों का गिरना इस पे होता है। उसी तरह से स्वेदवा स्त्रोतस को बिगाड़ने वाली चीजें होती हैं, व्यायाम ते संतापत शीतोष्ण क्रम से बना, मतलब शीतोष्ण क्रम मतलब ठंडा पानी पी के कॉफी पीना, कॉफी पी के फिर आइसक्रीम खाना, जो शीत और उष्ण का ये उपक्रम है, ये एक साथ हो रहा है, तो ये बंद करना चाहिए। या 1-1.5 घंटा एसी में बैठे हैं और उसके बाद में धूप में बैठ रहे हैं और धूप से आके फिर एसी में बैठ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, स्वेदवा स्त्रोतस बिगड़ जाता है, जो रिदम होता है पसीना आने का वो बिगड़ जाता है और बाल झड़ने लगते हैं। या फिर होटल में ठंडा पानी पी के और फिर उसके बाद गर्मा गर्म आप चाय पी रहे हैं, ये भी गलत है। चिल्ड वाटर लोग पीते हैं बिस्लरी का, होटल में जाने के बाद, धूप में आने के बाद, और फिर चिल्ड वाटर पी के और फिर चाय कॉफी पी लेते हैं। मतलब चाय के पहले ठंडा पानी पी के फिर चाय पी लेते हैं, बहुत ही ये विरुद्ध चीज है। तो स्वेद अगर बिगड़ जाता है, कुष्ठ होता है, और कुष्ठ रोग के पूर्व रूप में चरकाचार्य जी बोलते हैं अस्वेदनम अति स्वेदनम, मतलब स्वेद बिगाड़ने वाली सारी चीजें हैं वो कुष्ठ के निदान में कहा गया है। इसलिए त्वचा विकार जो कारणों से होता है वही स्वेदवा स्त्रोतस का दुष्टि का कारण होता है। विरोधिनी अन्न पानानी, विरोधी अन्न पान जो रहता है उससे बाल झड़ते हैं, और वह मज्जावा स्त्रोतस को दूषित करता है, स्वेदवा स्त्रोतस को दूषित करता है, पूरा शुक्र तक उसको, इनफर्टिलिटी का भी कारण विरुद्ध अन्न है। और भरपेट खाना खाने के बाद रोग रोगी जो रहता है, हमारा पेशेंट जो रहता है, वह तुरंत हैवी एक्सरसाइज जिम में जाके करने लगता है, पुशअप्स मारना है, बहुत वेट उठाता है खाना खा के तुरंत। इससे क्या होता है कि पूरा अपना शरीर का सारा सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसी तरह से उपवास करके फिर तुरंत बहुत ज्यादा खाना, मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिन्होंने वमन किया, 7 दिन पूरा संसर्जन क्रम किया, और उसके बाद में उन्होंने 15-20 चपाती खा लिया, और उसके बाद इतना खाया कि मैं 7 दिन नहीं खाया हूँ, इतना खाया कि सांस फूलने लगा, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। तो उपवास करके बहुत ज्यादा खाना और ठंडा और गर्म का सेवन एक साथ करना, या उपवास करके भरपेट खाना खाना, ये सब जो है ना उल्टा पुल्टा खाना, इससे बाल झड़ते हैं। इसी तरह से जिसको डर लग रहा है, जिसने बहुत मेहनत करके आए, धूप से काम करके आए, और उन्होंने एकदम ठंडा पानी पी लिया, तो उससे उनके बाल झड़ते हैं। स्वेदवा स्त्रोतस और रक्तवा स्त्रोतस का दुष्टि का क्या कारण है, अजीर्ण अध्याशना दिना, मतलब अजीर्ण में खाना खाना या बिना भूख के खाना खाना। इस तरह से क्लेश बढ़ाने वाले पदार्थ जैसे नया धान्य, दही, मछली, ये सब जो है त्वचा विकार और केश विकार को उत्पन्न करते हैं। नया नवान्न दधि मत्स्याति लवणान अम्ल निषेविणाम मांस मूलक पिष्टान मिष्टान्न तिल शीर गुड़ाशीनाम, मतलब नया धान्य, दही, मछली, अति लवण, अम्ल, उड़ीद का सेवन ज्यादा करना, और मूली, कच्चा मूली ज्यादा खाना, और मिठाइयाँ ज्यादा खाना, और तिल, दूध, दूध से बने हुए पनीर वगैरह ज्यादा खाना, और गुड़, नया गुड़ खाना, ये सब बालों को झड़ाने में बहुत ज्यादा ये रहते हैं, हेतु रहते हैं। मेधोवा स्त्रोतस की दृष्टि के कारण में अव्ययामत दिवा स्वप्नात मेदन चाति भक्षणात मेधो वाहिनी दुष्यंती वारुण चाति सेवनात, मतलब अव्यायाम, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना, दिन में सोना, बहुत ज्यादा मेद बढ़ाने वाली चीजें खाना, जैसे मैदा के पदार्थ खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, और पानी ज्यादा पीना, ये पानी ज्यादा पीने से मेदोवा स्त्रोतस की दुष्टि होती है, या दारू अल्कोहल ज्यादा पीना, इससे बाल झड़ने का समस्या बढ़ जाता है। और लवण आती लवण रस आती योगे न केश विकार, मतलब स्वाति युक्त अस्त्र पवनम खलितम पलितम वलिन, जो लोग ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, जो वेफर्स खाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब मूवी देख रहे हैं और बहुत ज्यादा नमकीन चीजें, बहुत नमक खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊपर से डाल डाल के नमक खाते हैं लोग, उससे बाल झड़ते हैं, बाल सफेद होते हैं, और वो हार्ट के लिए भी खराब करता है। तो ये सब चीजें हैं, अभी मैं और बताऊंगा, आप लोग कुछ बोलिए, तब मैं बोलते बोलते थक गया, मुझे बहुत सारी चीजें बताया, ये जो भी मैं बता रहा हूँ अपने गुरु जी आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, इन सब का मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगा, ये आप लोग के पास रहना चाहिए,
बालों की समस्या लेके आते हैं लोग, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या क्या विचार करना है। अस्थि व स्रोतस का विचार करना है, मेदो व स्रोतस का विचार करना है, रस धातु रक्त धातु का विचार करना है, स्वेद का विचार करना है ना, ये सारी चीजें, क्लेद वाली चीजें खा रहे हैं और लवण का सेवन कर रहे हैं, अम्ल रस का सेवन कर रहे हैं ये, और पितृज भाव वो कैसे है, ये सारे मैं नोट्स आप लोग को देने वाला हूँ जी। अब आप लोग बताइए, और चिकित्सा में मेडिसिन भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हनुमंत राय जी, प्रीति मैम, रोहतास सिंह जी, शशि मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, परवीन कश्यप जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर, हाँ, प्रणाम सर। आप बालों के विकार में क्या चिकित्सा देती हैं? हाँ सर, वही वही चीज बता रही हूँ कि ना सर, आ, आ, मैंने एक चीज देखी है कि जिन लोगों का आयरन लेवल भी कम होता है, जब विटामिन B12 भी कम होता है, फॉलिक एसिड वगैरह भी कम होता है, उनमें भी ये हेयर फॉल की बहुत ज्यादा समस्या होती है। और जो लोग एक्सेसिव डाइटिंग करते हैं, जो डाइट को बहुत ज्यादा कम कैलोरीज में लेते हैं और मतलब जैसे न्यूट्रिशियस आहार नहीं ले पाते, लेकिन क्या है कि कैलोरीज भी कम लेंगे वेट लूज करने के लिए, जैसे फैटी लोग होते हैं, और वो वेट लूज करने के साथ साथ वो क्या बोलते हैं, बाहर का मतलब बहुत कम 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 खाते हैं, तो डाइटिंग करते हैं ज्यादा कि वेट लूज हो जाए जल्दी, और उनके भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो ये भी रीजन होते हैं सर हेयर फॉल के। तो मेरा एक था पेशेंट, तो उसका यही था, उसका ना एक्चुअली उसका आयरन लेवल कम थे, तो मैंने धात्री लो वगैरह, नवाइस लो वगैरह ये स्टार्ट किए थे उसके, और साथ में उसको ये आंवला, भृंगराज और मुलेठी और मंजिष्ठा, चार इनका लेप लगाने के लिए वहां पे दिया था, जो यहाँ पे तो ये सर उसको काफी ज्यादा फर्क पड़ा था, उसके थोड़े बाल भी आने अभी शुरू हो गए हैं, रिस्टार्ट हो गए हैं, और धात्री से उसका ये हो गया, इफेक्ट हो गया कि ये जो मतलब पूरे का पूरा पैच बना था ना सर, उससे छोटे 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 मतलब वो हेयर ग्रोथ शुरू हुई है अभी, तो ये इफेक्ट पड़ा है सर जी। जी बहुत अच्छा बताया आपने मैम, प्रैक्टिकल चीज बताया। वीना मैम आप कुछ बताइए, आपके बालों का राज। वीना मैम आप कुछ बालों पे बताइए आपका कुछ। जी बताइए सर मैम। मैं रसायन चूर्ण देती हूँ, आमल की, अमृता और गोक्षुर हाँ रसायन चूर्ण विरेचन देती हूँ पहले पेशेंट को, हाँ और उसके बाद रसायन चूर्ण नस्य। थायराइड में भी हेयर फॉल ज्यादा रहता है सर, हाँ आरोग्यवर्धिनी और बाकी आपका फॉर्मूला है वो यूज कर रही हूँ मैं अभी थायराइड के लिए, पुनर्नवा वचा। हाँ थैंक यू और सर। आप अपने बालों का राज बताइए। नहीं सबको मालूम है सर अभी वो अभी राज तो नए लोग आ गए, पुराने लोग तो नहीं गए, अब तो सैल रहता। नए लोग हैं। आप अपने बारे में बताइए कि आपके बाल इतने घने घने और लंबे कैसे हैं, वो बताइए। सर मैं आज तक शैम्पू नहीं लगाया बालों को, नागर मोथा, आमलकी और जो मसाला है ना बालों का पूरा वही मैं लगाती हूँ सर, जी और क्या करती हैं, और नस्य नस्य क्या चीज का लेती हैं अनुतैल नस्य और कितने साल से ले रही हैं? 30 साल से ले रही हूँ देखिए सर। 30 साल से नस्य लेने से बाल अच्छे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, घने घने होते हैं। वीना मैम मेरे क्लिनिक पे भी आई हैं, मैंने खुद देखा है, इतने लंबे लंबे बाल हैं और इतने अच्छे बाल हैं, एकदम ऐसे लगता है कि बाल हैं, इतने अच्छे बाल हैं। नस्य 30 साल से ले रही है मैम, इसीलिए। चलिए और किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलिए मैम। कुछ नहीं सर, आपको आदित्य, आपने देखा है आदित्य को, तो हाँ उसका जन्म होने से मैं नस्य कर रही हूँ सर, और स्नेहन हर रोज स्नेहन करते हैं सर हम अच्छा, ज्यादा अभ्यंगम देर। आचरण नित्यम स जराशम वातः, अभ्यंग हाँ आचरण में करना चाहिए हाँ सर, जी। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब आयुर्वेद को सच में फॉलो कर रही हैं आप, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, किसी को कोई केस के बारे में डिस्कस करना है कर सकते हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। वैद्य शशि तिवारी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हेलो हाँ जी बोलिए सर। सर, वो पेशेंट साथ हैं, जब आपको समय मिले जरूर गेस्ट हाँ बुकिंग करना समय सर। है ना आपके लिए तो हम हैं, मैं ये जी बालों पे सर, बाद में बात करूंगा।
आप पेशेंट को दिखाइए, केस टेकिंग करेंगे। तनिका मैडम, शशि मैम कौन करना चाहेगा केस टेकिंग? पॉइंटेड क्वेश्चन पूछेगा। तनिका जी मैडम आप करेंगी कि शशि मैम करेंगी? जी सर, करते हैं सर। आप करिए, मैं इनको स्पॉटलाइट करता हूँ। इनका केस बहुत टिपिकल है केस, आप लोग केस टेकेंगे। वो देखिए बच्ची हंस रही है। सामने देखो सर, इनका मैं पीडीएफ भेजा है। तुम? अच्छा तनिका मैम करिए हाँ आप। जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं अभी कर रही हेलो थी। हेलो मैम, हेलो, नमस्ते। हाँ जी सर, कैसे हैं? बढ़िया मैम, बढ़िया। ठीक है, आप बताइए। हाँ बढ़िया बढ़िया। अच्छा सर, ये बच्ची बात कर बोलती लेते है क्या? हैं। ये थोड़ा बहुत बोलती है, पहले तो बोलती थी, अब नहीं बोल रही। पहले तो ये 9th तक पढ़ती थी, बड़ी इंटेलिजेंट अच्छा ठीक है, तो सर इसकी मम्मा से बात करते हैं। थी। हेलो बच्चा, कैसे हो आप? बोल बोल बेटा, बता कैसे, बता। ठीक है, बता बता कैसे, ठीक हो? अच्छा बोल लूँ सर, इसकी मम्मी से बात करा मैं। दीजिए। हाँ अभी करवाता हूँ। सर बता बता, बोल नहीं सर, नेटवर्क ना प्रॉपर आपका आ नहीं रहा है। बोल बोल बोल। हेलो मैं म्यूट हो गया इनका आवाज, म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। सर आपका म्यूट हो गया। हाँ मैम, बात करिए इनकी मम्मी से। हाँ जी हाँ जी मैम, मैम कैसे हैं? नमस्ते, नमस्ते जी। जोर से बोल। अच्छा अभी बताओ मैम, क्या हुआ था बच्चे को? इसको दौरे आते हैं। नहीं दौरे तो आते हैं, लेकिन क्या हुआ, क्या था? जब दौरे आने कब स्टार्ट नहीं, हुए थे? पहले कितने दौरे आते थे? अब कितने दौरे आते हैं? 10-12 साल से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे झटके मारती थी पहले, कई अच्छा, तो दिन में कितनी बार आते हैं इसको? बार आते हैं, 10-12 बार तो आती हैं। एक दिन में? हाँ कभी आते। अच्छा, तो अभी रोज आ रहे हैं? आज तो नहीं आया, आज तो आया सुबह 4:30 बजे। सुबह सुबह 4:30 बजे आया। तो जब झटका आता है, क्या मुंह से वो लार वगैरह भी निकलती है इसकी? झाग हाँ। भाग आते हैं, और लार यूरिन, निकलती है। हाँ सुसु और पॉटी सुसु वगैरह भी निकल जाती है क्या साथ तो में? कर देती है, पोटी भी आती है कभी कभी, अब बीच में पहले कर नहीं देती है? करती, पहले नहीं करती थी, अभी करती है पोटी को। हाँ नहीं, जब 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 ये दौरा पड़ता है तब करती है, कि जहाँ इस तरह ऐसे भी इसको पता नहीं चलता और ऐसे भी बीच में कर देती है? दो रात तक कभी अच्छा, कर देती है। पता भी नहीं चलता, वैसे भी कर ली। हाँ तो अभी खाना पहले नहीं वगैरह करती थी, कैसे अब करती कैसे है, खा रही है? अब तो कम ही खाती है। आज कम खाती है? तो बांधती मैम है काफी मुंह पे ठीक भूख नजर आ लगी रही है? है, नहीं तो ये ना। हाँ बोलती तो है। बोलती है भूख लगी है? हाँ ठीक है, तो कितने कितने टाइम खाना देते हैं आप लोग, और क्या क्या देते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? 2 टाइम सुबह शाम, सुबह शाम देते हैं सुबह मैम। 2 टाइम देते हैं? ठीक है, तो ये स्टार्ट नहीं स्टार्ट कब हुआ था आपका? जब प्रेगनेंसी हुई थी तब कोई ऐसा कोई दिक्कत हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम? नॉर्मल डिलीवरी थी आपकी कि जहाँ सिजेरियन था? नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी, तो कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई थी उस टाइम पे? डॉक्टरों ने जोर लगाया था क्या? कोई थी, दिक्कत हुई थी? उसका सिर तो नहीं फंसा था डिलीवरी के टाइम? नॉर्मल नॉर्मल थी, नहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी डिलीवरी के टाइम पे आपको? नहीं नहीं और ये कितने साल तक बिल्कुल नॉर्मल रही है? तो 2-3 साल तक। 2-3 साल तक? हाँ तो जब ये इसको फिट आना, मतलब दौरा पड़ना शुरू हुआ था, उससे पहले इसको कोई बुखार वगैरह आया था क्या? हाँ बुखार तो आया था। इसको बुखार आया था? हाँ जी तेज वाला बुखार आया था? हाँ कोई हॉस्पिटल जाना पड़ा था?
104 देखा। बुखार आया था, 104 नहीं, 106 तक पहुंच गया था, मैं यहीं था जब। अच्छा उस टाइम पे 2-3 साल की उम्र में जब इसको पहला वाला दौरा आया था तो वो 104-5 पे पहुंच गया था, है ना? ज्यादा थी, दो बड़ी थी जब, तो कुछ बुखार आया था तो बड़ी थी। जब तो बड़ी थी जब, तो 10-11 साल की होगी ना। हाँ 10-11 साल की नहीं थी बुखार दौरा आया पड़ना, था। इसको पहला दौरा कब पड़ा था? हम 2012 में आया था मैम, 2012 में इसकी उम्र कितनी थी? कब इससे 99 का है, तो पहले 12 में 13 साल की लगभग 13 साल की उम्र में पहला दौरा आया था और 13 साल से पहले ये बिल्कुल नॉर्मल थी, वो। ठीक है ना? हाँ मैम, उससे पहले जो ना ऐसे ऐसे चमकती थी बस, और हाँ ऐसे सर यही करती थी। पूछना चाह रही हूँ कि मैं ये जो हाथ हिलता था ये कब से हाँ स्टार्ट जी, हुआ ये था, ये बाय बर्थ स्टार्ट हुआ तो था बाय बर्थ या ही ये लगता है मेरे को, तो दो है? पहले ध्यान नहीं था पहले सर? ध्यान नहीं था, सरों से ही करती थी, जब भी करती थी ना तो ये लोग हंसते थे, हाँ इनको पता नहीं था। गुस्सा आता था इसको बहुत ज्यादा, पहले पहले नहीं तो नहीं आता आता था, था, अब तो ये हो तो जाता जब फिट्स आने लगे तब से गुस्सा आने लगा है। उसे, तब से आना लगा है। ठीक है गुस्सा भी तो आता है, इसका, डरती भी है, डरती भी है, हाँ डरती भी है ना, ये सिज़ोफ्रेनिक की टाइप मारने लग को रही भी है। दौड़ती है और डरती भी है। ठीक है और सर ये जब 13 साल की थी तब तब इसको फीवर हुआ था, उस टाइम पे फीवर हुआ था? हाँ फीवर हुआ था भाई, 106 हुआ था उस दिन, मैं यही था। हाँ जी, अच्छा 106 फीवर हुआ तब इसको फिट आया था पहले, है ना? कंसिस्टेंसी ठीक है और उस उसके बाद से मतलब ये कंसिस्टेंसी कितनी बड़ी है और वहां से कितने शुरू, जब शुरू हुआ था कितने आते थे और उसके बाद ये कितना कितना बढ़ता गया, कितने कितने साल में? तो ये चल तो नहीं बता सकते, बार बाकी धीरे 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 बढ़ता ही गया। फिर बढ़ता गया तो हमने कोई एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी ना? नहीं, एलोपैथिक बहुत दवाएं दी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दी हैं, जयपुर में SMS में दिखाया, और हाँ गुड़गांव में फोर्टिस हॉस्पिटल है उसमें दिखाया है, वो मैंने हाँ PDF हाँ शेयर कर दिया है, सारे जितने टेस्ट थे वो सब PDF शेयर करा मैंने इसमें ग्रुप ठीक है में। ठीक है ठीक है। तो अभी अभी क्या खा रही है ये, अभी कौन सी मेडिसिन खा रही है? अभी तो ये एलोपैथी आयुर्वेदिक, नहीं ले रही, आयुर्वेदिक ले रही है अच्छा आयुर्वेदिक ले रही है। ठीक है तो सर एक्चुअली एक बार इसकी वो दिखाएंगे, टंग दिखाएंगे एक बार, दवाई। जीभ नहीं जीभ दिखा दो इसकी एक बार। दिखा बेटा, आकर मुंह खोल, डॉक्टर जीभ निकाल दो, मुंह खोल, मुंह जीभ खोले, निकाल खोल दो, दे, जीभ निकाल दो, खोल आकर दे, मुंह मुंह खोल, पर खोले देखा ही बेटा, कुछ ना, दिखा दिखा बाहर दो, निकाल जीभ दे, निकाल दो, निकाल दे, बाहर निकाल, आकर दिखाओ आकर बेटा, नहीं दिखाई दे रही, दिखा मुंह खोल बेटा, खोल, देखा दे, है, चल आज के दिखा दे, बस आज आकर के दिखा दिखा, दे, इसको दिखा आज दे, के दिखा दे, आज के दिखा जीभ जीभ दे, निकाल दो, जीभ जीभ दिखा निकाल दे, दो, दिखा दे, जीभ देखेंगे, जीभ निकाल जीभ दो, दिखा, दिखा दे, जीभ दिखा, जीभ दिखा दे, जीभ दिखा दे जीभ निकाल, बाहर बेटे, निकाल जीभ, हाँ बाहर निकाल, अच्छी बाहर तरह निकाल बाहर जीभ, निकाल, हाँ जीभ बाहर निकाल, निकाल निकाल, देख सुगर लगी ना, कित लगी, देखा दिखा देखा क्या वो लगी, लग गई हुई, जी में देख दिखाई, कहाँ लगी, लग देखा सर, रहने लगी दीजिए है, रहने दीजिए रहने दीजिए सर, सर रहने दीजिए, नहीं, फोर्स नहीं करो। अच्छा इसके पीरियड्स वगैरह का कैसे रहता है सर, मंथली उस मंथली आते टाइम हैं? से। हाँ टाइम से आते हैं, 4-5 दिन और कितने दिन आते हैं? 4-5 दिन नॉर्मल। 4-5 दिन। और ये फैमिली की हिस्ट्री है किसी की? नहीं किसी के नहीं है, नहीं नहीं किसी की नहीं डिप्रेशन की हिस्ट्री, किसी की एंजाइटी की हिस्ट्री, या किसी की पैनिक अटैक की किसी हिस्ट्री है किसी भी फैमिली में? किसी के नहीं है, किसी की नहीं है। के नहीं है। अच्छा ठीक है तो ये जो आपका हाथ हिलता था तो जब ये छोटी होती थी जब हाथ हिलना शुरू हुआ था, वो किस एज में हाथ हाँ हिलना शुरू हुआ ऐसे था? हो जाती, हाँ हाँ जी हाँ जी, नहीं वो नहीं ऐसे ऐसे करती थी आगे एक बार, आगे थोड़ा सा एक बार बस ऐसे कंपन कंपन, एक हाथ होती, एस करती थी ऐसे कंपन चाय होता था, में, जैसे चाय पकड़ी थी एक दो घूंट बिखर जाती थी ऐसे, बस इतना हाँ ही पर करती थी। वो दौरा नहीं था ना, वो तो उसको शायद वो अगर गुस्सा आता होगा जो नहीं ऐसे हिलता होगा वो दौरा तो नहीं था, कि ये दौरा ही था? वो दौरा नहीं था, दौरा नहीं था मैम, वो दौरा नहीं ये था तो ना, उसी उसी के वो वजह से बड़ा है, बट बाकी पता कोई नहीं क्लोट हो उसका। सकता है, क्लोट होगा दिमाग में तो उसकी वजह से शायद वो होगा। तो बचपन में बीमार वगैरह भी ज्यादा रहती थी क्या? नहीं बीमार नहीं मार तो नहीं नहीं रहती थी, बिल्कुल ओके थी पहले पता तो, टेंथ नाइन्थ की, नाइन्थ तक स्कूल में गई है, इंटेलिजेंट थी, बढ़िया हैंडराइटिंग थी, सब कुछ बढ़िया था। तक जाती थी, हाँ 10th टेंथ के में बाद जाते ज्यादा वहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, फिर स्कूल छोड़ना पड़ा स्कूल में था, गिर जाती थी। सब बेहोश हो जाती थी अपने आप, हाँ जी स्कूल में अपने आप बेहोश हो जाती थी क्या, हाँ, अपने आप हो जाती थी, गिर जाती थी? उसके बाद बंद कर दिया स्कूल जाना। इसे अच्छा गिर जाती थी, ठीक है ठीक है।
ठीक है। और अभी अभी इसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता है? हाँ लेट जाओ, जाती है कभी कभी, कभी कभी हाँ होता हाँ है वैसे। तो ये कॉन्स्टिपेशन खाना होती है वाना ना नहीं टाइम। खाती ना, तब कई बार दवाई भी नहीं लेती ओ अच्छा ठीक है, है। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। मैम एक केस और है जो दूसरे के लिए मैं बताया था वो। हाँ मैम, सर सर पहले अभी इसको डिस्कस करते हैं ना, जी इसको जी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम उस केस पे भी जाते हैं ना। जी जी। अच्छा सर, मैं मेरा हो गया है सर, अभी किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैडम ये कल बोल रहे थे कि इन डिलीवरी इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बहुत नहीं सर, ये बोल रहे प्रेशर हैं नहीं, देना हाइपोमस पड़ा डिग्री है। था, और उस टाइम हाइपोक्सिया जैसा कुछ हुआ था क्या, बच्ची नहीं नहीं डिले सर, ट्राई वगैरह? नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी, नॉर्मल स्मूथ डिलीवरी थी इनकी। नहीं अच्छा, स्कूल में तो नहीं किसी ने इसको डराया वगैरह कुछ है सच, आपने पता करा हो? नहीं ना ना, सकुल में नहीं ड्राया। अच्छा ठीक है, ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। स्कूल में कोई ड्राई मैडम? नहीं ड्राई। स्कूल जाना अच्छा लगता है आपको? अच्छा हाँ, लगता है स्कूल में? बोलती है एडमिशन करवा दो, फिर हाँ अच्छा लगता है। आप जाया करो। वो लग रही है उसको, सुबह वो आ गया था ना अटैक, तो जीभ में लग रही है, कट जाती है जीभ साइड जीभ से। जीभ जब कट जाती है अंदर से, ओ अच्छा, तो अभी बोलने नहीं दिन जा रहा। हाँ हाँ बोल। में इसको 10 से 12 आ रहे हैं क्लिप्स। ठीक है सर, ये हो अब जाएगी ठीक। सर पाठक सर, आप देख लीजिए अभी। आपको क्या लगता है, बातर्स पितर्स का फर्ज क्या है सर ये तो सर? मुझे प्योर के बात वापस वाला हुआ है, वो पार्टी आपने वापस बीच में नहीं एक करेगा। केस डिस्कस किया था जो संता बोल के, प्योर का जो ये हाँ बच्चे हाँ बच्चा है, उसी की वजह से इसको जी हुआ है। उस टाइम कन्वर्जन आया है हाई ग्रेड प्योर में, जी वो मनोवो जो किस्सा आपने बोली थी उस दिन, वो एक पेशेंट का सेम कंडीशन था। जी ये सर वातजुन मात के लक्षण भी लग रहे हैं मुझे। मैम इसको योनोबास मार भी है क्या? मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में बताइए क्या आपको लग रहा है, जी मतलब आपको सर क्या, आप सेक्सुअल, योशा पसमार, इसको हाँ योशो यो, हाँ पसमार। हाँ स्टेटस एपिलेप्टिक्स, वही 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 चीज है ना, वो उसके कारण हो गई इसको ना, ये जो अभी इसका बढ़ता गया। सर आपको पहले ही ट्रीटमेंट बुक करना चाहिए, रोकना चाहिए था, ये आपने वहां पे रोका नहीं, तो इसीलिए इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया सर। वो जोशा अपस्मार जो आप बोल रहे हो ना, जोशा अपस्मार ही है, लेकिन वही चीज है जो जी बढ़ गई चीज एक्चुअली में ना, आपको वहां पे स्टॉपेज करना चाहिए था इसका। ठीक है, अभी सर सर आपको बेटर बता देंगे सर, आप ट्रीटमेंट सर सर ही बताएंगे आपको। घंटा घंटा ये गिरते हैं जब इनको चक्कर आता है, क्या इनको चोट वोट हेलो। लगती है? हाँ हमेशा लगती है, अच्छा, बहुत लगी है चोट, हर हर बार लगती है। अभी तो नहीं लग रही, अभी तो हाँ जैसे ज्यादा उठती नहीं है हाँ ये, उससे पहले ये लगती थी। अभी तो जैसे जन्म बिस्तर पे होती है तभी दौर आ जाता है, तब भी नहीं लगती चोट, जब कभी खड़ी होती है तो लग जाता है। जी अच्छा, क्या जब चक्कर आते हैं इनको दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग वगैरह भी निकलता है कि क्या रहता है एक्चुअली साइन सिम्टम? हाँ जाग पहले तो बहुत निकलते हैं, तो थोड़ा कम निकलते हैं, राल आती है अब तो, अच्छा पहले तो अच्छा जाग आते थे। नहीं पहले झाग आते थे, तो हाथ पैर अकड़ता भी है, इधर उधर फेंकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं? वो तो वीडियो दिखाया था ना मैंने आपको, हाँ वीडियो नहीं वो दिखाया बात था उनका वो। तो, हाँ अकड़ते हैं हाथ पैर अकड़ते हैं, और मतलब रोने भी लग जाती है, बहुत जोर जोर से रोती है, आवाज निकाल, आवाज निकालती है। अच्छा नहीं, जैसे मान लीजिए कोई पास में नहीं है तब रोती है कि जब अकेले में रहती है तो रोती है, मतलब नहीं साथ में कोई है तब रोती है? कभी रहता ही कोई ना कोई इसके पास, ऐसे अकेले छोड़ते नहीं है। नहीं अच्छा नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन सीकर तो नहीं है? टेंशन वेंशन तो क्या रखेगी बेचारी यार, टेंशन इसको कुछ होश ही नहीं, पता ही नहीं कुछ। नहीं सर, मैं कर अटेंशन सीकर तो नहीं है बहुत ज्यादा? हाँ तो ये है कि घर में होगा थोड़ा बहुत इसको, बस
नहीं, अटेंशन सीकर का मतलब है कि हर कोई मेरे आसपास रहे, मेरी परवाह करता रहे, ये चीज तो नहीं अच्छा, है। नहीं नहीं है इसको, कुछ पता ही नहीं। अच्छा तो मेनली तो वही है, फेब्राइल कन्वर्जेंस की वजह से सर है। हाँ, अच्छा जैसे आप उसको ट्रीट करना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए एपिलेप्सी वाला हिसाब था, अपस्मार का ट्रीट करिए, साथ में फीवर ट्रीट करिए, तब जाकर मेरे हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए, और पाठक सर बेटर गाइड करेंगे। पाठक सर, सर हाँ, तो हम लोगों ने चरक संहिता में उन्माद प्रणाम, मुद्रा पर, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम। हम लोगों ने उन्माद और अपस्मार आसपास ही पढ़ा है। उन्माद की बहुत सारी दवाइयाँ और अपस्मार की एक जैसी हैं, तो ये बच्ची उन्मादी भी है और अपस्मादी भी है दोनों, अच्छा तो हमें पूरा अच्छा चिकित्सा वैसे ही करना पड़ेगा कि शोधन करना है, नस्य देना है, बस्ती देना है, और सारा मन पे मनोवस्त्रोत संज्ञावस्त्रोत पे काम करने वाली दवाइयाँ। हाँ हाँ तो यही सर, चिकित्सा सर क्या होगा। हाँ बोलिए, स्टार्ट कर सकते हैं सर हम लोग पहले? कोई भी चिकित्सा करना है तो दीपन पाचन, दीपन पाचन उससे स्टार्ट करना है। दीपन पाचन स्टार्ट करना, हाँ वो जो रोज आप बताते हैं। हाँ दीपन पाचन से करके, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करना है। आप मेरे से दवाई लेना चाहते हैं कि वहां से लेना चाहते हैं? सर आप दे सकते हैं, आप दे दो। तो मुझे एक बार वो पूरा रिपोर्ट भेजिए, मैं पढ़ के फिर बताता हूँ, मैं ठीक करके दूंगा। सर मैं पीडीएफ जो ना सेंड हाँ, करा ग्रुप में। क्या है ना, ऐसे मेरे पास एक बांग्लादेश का पेशेंट था, ऐसे तो बहुत सारे जी पेशेंट है ऑफलाइन, जी बांग्लादेश का एक पेशेंट था 2 साल पहले, और उसको जी मैंने पूरा ठीक कर दिया, और मेरा जो एमडी और पीएचडी हुआ है ये मानस रोगों में ही हुआ है, तो मेरा ये काम ही है, मैं ठीक करके दिखाऊंगा आपके। अभी कल परसों एक एक पेशेंट का भी आया था कि मुझे सिजोफ्रेनिया का था, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, उसको 40% आराम पड़ गया माइंड पे। ठीक है, तो आपने थोड़ा रिपोर्ट भेजे, मैं और पढ़ के फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। टोटल रिपोर्ट मैंने सेंड कर दिया है, पीडीएफ अगर बड़ा भेज मेरे से दें दवाई लेना है तो, अगर आपको खुद करना सर। है तो जबरदस्ती नहीं कि मुझसे लीजिए। हाँ, नहीं, हमें तो ठीक करना है सर। वो इसका हो गया फाइनल, तो और अभी दूसरा केस जरूरी लाइए, दूसरा केस लाइए। दूसरा बताइए। बैठ जाओ। हेलो ये है हाँ चलिए, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? शशि मैम, आप करना चाहेंगी? जी सर। हाँ हाँ करिए। जी, नमस्ते। नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते बोल रहा है। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ कोई ना। ऐसा हाँ जी, हाँ जी सर, है, प्लीज। मैम इनको जो ना पैरालाइज अटैक हुआ था, तो उसके बाद ये सब हाथ पाँव तो काम करने लगे, अभी घूमने फिरने लग गए। इनका जो ना एक तो जो ना याददाश्त नहीं है, और बार बार बोलते रहते हैं एक ही बात को, और जो ना दिखने में थोड़ा कम हुआ है, बाकी अच्छा, वही जो आपने उस दिन बिल्कुल बताया था ना, 92 ईयर्स बिल्कुल के हैं ना? हाँ ना वही है जी। तो 92 ईयर्स की एज में सर, ये जब अभी पैरालिसिस का अटैक पड़ा, उसके पहले मतलब इनका सुनना बोलना सब बिल्कुल ठीक था? नहीं, सुनाई तो थोड़ा कम देता है, सुनाई की तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बोलना भी सही था, चलना भी सही था, काम करते थे, कमाते थे। अच्छा, हाँ 92 ईयर की एज में क्या करते थे? कमाते हैं, अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, बहुत सही, इस उम्र में तो बहुत बड़ी बात है, हो और जो ना जाएंगे खुद ठीक। हाँ पैदल चल के जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, वहां ऐसे थोड़ी बहुत दूर नहीं जाते। अच्छा, तो अभी इनका कैसा है, भूख प्यास वगैरह सब कैसी है? भूख प्यास सब सही है, एक दो रोटी खा लेते हैं सुबह शाम को खा लेते हैं, और यूरिन बाथरूम सब ठीक है। आपको केवी चार्ज मैम है? अच्छा, आंखों की शिकायत है? थोड़ा सा मैं बताऊं,
कि जो ना इनका फैमिली बैकग्राउंड आयुर्वेद का रहा है, तो इनको बहुत कुछ है, लेकिन अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत कुछ नुस्खे उकसे बताते रहते हैं ये। अच्छा, वो इतना स्वस्थ भी हाँ, है क्योंकि उसका पालन भी खुद पर किया होगा आपने, है ना सर? चार पांच पीढ़ी से फैमिली बैकग्राउंड है आयुर्वेद का, अच्छा और मेरे फादर हैं ये। जी अच्छा अच्छा सॉरी। तो सर आप इनको कुछ मेध्य वगैरह दिए हैं, नस्य वगैरह भी साथ में दीजिए, है ना? सिरोधारा करवाई, आज मैं अच्छा गया था, आज तो लेके सिरोधारा करवा के आया था, अच्छा आयुर्वेदिक तो सर हॉस्पिटल गया, सिरोधारा ओके करवाई। मैं करवाते नहीं है, वो नवलाज तो आ गया, फिर नहीं आऊंगा। नहीं तो कोई बात नहीं, आप शिरोधारा नहीं करवाते हैं, आप शिरो पीचू करा सकते हैं। उसमें सिंपली क्या होता है ना, जैसे गॉज पीस में आप ड्रेसिंग के करते हो ना, ऐसे गॉज पीस में अच्छा हाँ खासा जी आप कोई भी मेद तेल है वो लगा करके, ये जो ब्रह्म रंध्र है या सिंपल सा समझो कि आपका क्राउन चक्र है, शस्त्रार्थ पर अच्छा रख ही अच्छा दीजिए, ठीक है? तो सोते वक्त पड़ा रहे या तो सुबह शाम के टाइम में किसी भी टाइम आप कर सकते हो, आधे घंटे के लिए वो ऑयल वहां पर पड़ा रहे हो, थोड़ा सा मालिश कर दीजिए, तो शिरो पीछू भी सर उतना ही इफेक्टिव होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब अच्छा डेली अच्छा कराना है तो आप कोई भी मेद तेल ले लीजिए अपना, चाहे ब्राह्मी तेल हो चाहे जो भी हो, इस तरह के आप अच्छा सा अपना ला करके, या घृत से भी कराते हैं, ब्राह्मी घृत वगैरह भी आते हैं, तो गॉज पीस अच्छा जी सा बना करके और उसको सोख कर, मतलब बढ़िया से भिगा दीजिए, और भिगा करके एक बार बढ़िया से मसाज करके ऐसे रख दीजिए। तो आप ऐसे बैठे भी हैं, मान लो लोगों से बात कर रहे हैं, हाफ आवर तक उसमें पड़ा रहेगा, दैट इज सफिशियंट। ऐसा नहीं शिरोधारा ही आप कराएंगे, मान लीजिए कई बार होता है पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, कई बार पेशेंट की मर्जी नहीं होती है, तो आपके पास शिरो पीछू वगैरह बढ़िया है, और साथ में मर्म पॉइंट्स वगैरह भी कराइए, है ना? हालांकि एक सर्टेन एज के बाद ये चीजें कम होती हैं, और मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा मेध रसायन वगैरह अमलकी वगैरह भी दे सकते हैं, या अमलकी अष्टी मधु घृत और इसके साथ में छीर के साथ में दीजिए, तो इसमें अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, और नस्य भी देंगे तो आंखें भी ठीक हो जाएंगी, जैसे थोड़ी बहुत परेशानी तो है ही, हालांकि एज रिलेटेड आपको पता है कि इशू आता ही है, 92 तो सर सलाम है इस उम्र में आप काम करते हैं तो। मैम जो ना, हाँ जब मैं इस दर्पण नहीं देखता था, तो उससे पहले जब ये बताते थे ना, जैसे हमारे बाबा थे, तो वो भी बताते थे, उनसे बाबा थे वो भी बताते थे, तो ये बताते थे चिड़िया चाल है, ये कबूतर की चाल है, हंस की चाल है, सर्प की है, मेंढक की, सब ये बताते थे। हम तो ये समझते थे कि मगे अनपढ़ आदमी, इनको कुछ पता नहीं है। नहीं, हमारे शास्त्र में ऐसे ही डिफाइन है, और अगर आपने किसी जानवर को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। हाँ जाओ रो, जी हाँ जी मेंढक भूत की चाल हो, सर्प हाँ चाल हो, चिड़िया चाल हो, हाँ तो कबूतर चाल हो। अभी आप बताइए आपकी नब्ज कैसी चल रही है? अब इनका वो दिमाग में नहीं इतना, मैं बता ना। नहीं होता है कई बार, वैसे भी सर 92 काफी बड़ी एज होती है, तो उसमें स्मृति का भ्रंश वगैरह तो इस तरह की चीजें आती ही हैं उस उम्र में, सर्टेन नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। पहले नहीं था। हाँ लेकिन आप मेद रसायन दोगे ना सर, और उनको प्लेसिबो दीजिए कि मतलब वो रोज याद करें कि मुझे याद अच्छा सा रहता है, हो ये जाएगा चिड़िया जी चाल सर। बता रहे हैं मैम, मुझे तो नहीं मालूम क्या अच्छा कहती आपकी चिड़िया चाल चल रही, कौन सी चिड़िया है, हंस जैसा है कि कौन सी चिड़िया है? कोई बात ना, नहीं, बोले मुझे तो कम समझ में आ रहा है भाषा उनकी। कोई बात नहीं, अपने वो करो मैम, सॉरी, ये जो ना नहीं तो नहीं इट्स दिमाग काम ओके कर। सर, कोई बात नहीं है, हम लोग को उतना नहीं अच्छे से आता है ना चाल समझना हर चीज, पुराने बुजुर्गों को ज्यादा अच्छे से चीजें आती हैं। हाँ जी हाँ जी अभी आपको दादा क्या हो रहा, भूख प्यास अच्छी है, सही है? ना आपको मेरे कोई तकलीफ कोई कोई तकलीफ परेशानी नहीं, नहीं है, ये कह रहे। चलिए तब मस्त है रहिए, कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया है, ठीक है? हाँ अभी ठीक मैम, अभी तो वैसे घूम फिर के भी आते हैं, थोड़ा बहुत घूम फिर आते आप सर इनको मेद रसायन दीजिए, आ जाएंगे जब और सारी चीजें ठीक है, 92 के एज में आपको पता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, मेद रसायन हैं। देते देते ठीक हो जाएंगे, बस दीपन पाचन लोमन आप सही रखिएगा, ठीक है सर? मैम मैं थोड़ा पीडीएफ में भेज देना मेरे को, क्या एक्चुअल में क्या क्या देना है वो इन दोनों के ठीक है लिए। सर, ठीक है सर।
ठीक है, ओके, थैंक यू ओके मैम, ओके, बहुत थैंक बहुत आप यू। सब लोगों का धन्यवाद। मेरे हिसाब से इनको बस्ती देनी चाहिए, उससे इनका पेट भी सही हो जाएगा, वायु का संबंध भी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। उधर नस दे दो, और ये अपने कोई मित्र रसायन दे दो उनसे, शायद ये कवर हो जाए। हाँ, अगर बस्ती दे सकते हैं सर आप घर पर तो दीजिए, मात्रा बस्ती दीजिए, बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि बस्ती दे दो, काम मात्रा कसम बस्ती सारा काम है अपने, कोई भी आप अपने हिसाब से डेंगू बचाजी वगैरह उस तरह का कोई। बैड वाला तेल की जो एक से एक आवृत्ति वाली है इसका, और बादाम तेल का जो सिरों पे चू वगैरह रखते हैं उसका उसका रखवा दो। ब्रह्म रसायन वगैरह ब्राह्मी बटी वगैरह उनको चालू कर दो, और इनके उसी से ये जो उदान की दिक्कत हो रही है बोलने में, वो समय से खत्म हो जाएगी। नहीं, बोलने वाले में दिक्कत नहीं, पहले से ऐसे ही बोलते हैं बस। नहीं आप बता रहे थे ना एक ही बात को बार बार बोलते हैं, तो वो उस तरह की जो समस्या होगी तो हाँ, वो मज्जा रिपीट करते हैं बात, भाई, मज्जा पे बार काम हो बार जाएगा। बुलाते रहते। अब बस क्या अपन जैसे उसका आंत वगैरह का देते हैं उससे भी आराम मिल जाता है, लेकिन आप बस्ती दे दो उसी से काम हो जाएगा इनका बस्ती। वो तो ठीक है, मैं समझता हूँ, जैसे सब लोग एक वो करके एक पीडीएफ में बना के भेज दो भाई, एक्यूरेट में जो ना ये ट्रीटमेंट शुरू करो, जैसे कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, इस तरह से जो ना। नहीं पाठक जी बताएंगे फिर क्या बताना, वो हाँ उनसे ठीक है, पूछ। मैं बताऊंगा, मैं सोच के बताता हूँ। सारा मेद्य द्रव्य देना है और नस से देना है, क्योंकि ना ड्यू टू एज क्या होता है, कुछ 60 साल के बाद क्या होता है, ब्रेन में एट्रोफिक चेंजेस होते हैं, मतलब ब्रेन सूखने लगता है, बाद का काल होता है। तो वहां पे जब हम नस से देते हैं, तो वो जो मैं 15-15 ml बताता हूँ सबको, वो जब हम नस से देते हैं तो क्या होता है, उससे स्नेहन होता है, स्नेहन होता है तो स्थिरता आ जाती है, पूरा जो वात है ना वो स्थिर हो जाएगा, चलगुण जो बढ़ा है ना वो स्थिर हो जाए, तो ठीक हो जाए। बस्ती और नस से मेध्य रसायन वही देना है, तो उससे अच्छा हो जाएंगे पूरा, और 40 साल और जी सकते हैं, और हम ऐसा कर सकते हैं इनको। हाँ ठीक है, तो इनका तो हमें जरा चिकित्सा करना है, जो जेरेटिक्स मेडिसिन है, बुढ़ापे का सारा चिकित्सा करना, और आपकी बच्ची को जो चिकित्सा है वो उन्माद और जी अपस्मार की चिकित्सा करना है, उसमें महापंचगव्य ग्रंथ, महाकल्याण ग्रंथ, स्मृति सागर रस, मानस मित्र कुटिका, ऐसे जो मेद्य द्रव्य और उन्माद और अपस्मार का पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है, तभी ठीक होंगे वो, और उसमें मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, और आप देखिएगा धीरे धीरे डेढ़ हो जाएंगे। साल हाँ, मिनिमम ठीक 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल। है जी। वो जो बांग्लादेश का पेशेंट था, यहाँ पे लाइव दिखाया था मैंने उसको, मुझे 4 महीना लगा, पूरा ठीक हो गया, उसके बाद में उसको फिट्स नहीं आया, उसको ये पागलपन नहीं आया, कुछ नहीं आया, सब ठीक हो गया। तो सर उधर आना पड़ेगा या इधर ही उसे आ मैं जाएंगे आपको दवाई? वीडियो भेज दूंगा, आप देख के आप खुद ही कर सकते हैं, आप खुद वैद्य हैं, खुद ही कर सकते हैं, इंटेलिजेंट है, आना है तो आइए, लेकिन आप लाएंगे कैसे बच्ची को, वो ट्रेन में बस में कितना वो करेगी? थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बीच में हिट्स आते रहते हैं। हाँ, तो मैं जब दूंगा ना, और वो भी कैसे, बचा तेल 101 आवर्ती का सुबह देना है नस से, और शीर ब्राह्मी तेल का शाम को देना है, और दोपहर में शीर भला देना है, ऐसे 3 टाइम नस से देना है, तो मैं गारंटी देता हूँ फिट्स नहीं आएगा वो, मेरा जैसे ही नस से शुरू होगा फिट्स एक भी दिन नहीं आएगा। यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी है क्या? प्रशांत भट्ट जी के पास भी एक पेशेंट थे जिनको फिट्स आते थे एलोपैथी का, वो एप्टोइन लेने के बाद भी, मेरा दवाई लेने के बाद फिर आए नहीं फिट्स, पूरा ठीक ही हो गए। और वो एक प्रभात पांडा जी हैं जो उड़ीसा के हैं, उनके पेशेंट को भी फिट्स आते थे, वो पूरा ठीक ही हो गए। ठीक ठीक है, है, थैंक यू। मैं एक प्रोटोकॉल बना के आपको बताता हूँ, और मैं ट्रीटमेंट यहाँ पे, और आप यही प्लेटफॉर्म पे आएंगे 1 महीने बाद और बोलेंगे कि फिट्स नहीं आ रहा अभी, बच्ची को में इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। चल बहुत बहुत धन्यवाद रहोगे, बहुत ओपन बहुत थैंक चैलेंज, यू। ठीक ओपन चैलेंज, पूरे इंडिया देखेगा ओपन चैलेंज कि पूरा ये बच्ची ठीक हो रही है। ठीक है, आप अभी देखो ना थोड़ा कितनी आजकल बच्चों की हाइट जो ना ये 4 4 फुट की, 4.5 फुट की रहती है, अब ये 5.5 फुट के लगभग हाइट है हाइट इसकी। भी बढ़ जाएगी ना, वो हनुमंत राय जी को पूछिए, डॉक्टर हनुमंत राय जी, नहीं 5.5 है, बहुत है हाइट तो इनकी, 5.5 है, 5.5 फुट। वो अगर हाइट बढ़ाना है तो वो बाद में देंगे हम, पहले ये मेन हाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। जी ठीक है, और चैलेंज, ओपन चैलेंज पूरे प्लेटफॉर्म पे कि वो ठीक होंगे, लेकिन बीच में दवाई बंद कर दिया तो मैं कुछ गारंटी नहीं दूंगा, अगर 1 महीना लेंगे फिर बंद कर देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं गारंटी दूंगा।
नहीं, बंद क्यों करना है? हाँ हाँ ठीक है। तो सर आप राजस्थानी भाषा बोल रहे थे कि हरियाणवी बोल रहे थे? ये सर मतलब हरियाणवी भाषा है हमारी, वैसे राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता गांव हमारा। अच्छा, बहुत ऐसे मिठास था बात में, बहुत अच्छा लगा सर ऐसी कोई बात नहीं। जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है? महेंद्र सर आपके गांव के हैं। सर थैंक यू। हमारा थैंक यू सर। गांव भी लेकिन पास के होंगे सर। कहाँ कहाँ पड़ता है ये? जी हाँ है आपका गांव कौन सा है? अच्छा गांव हमारा जो ना महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है, मिर्जापुर बाछौद गांव है, नारनौल के पास में। मैं ये कह रहा था सर, इनको यदि इनके पिताजी को त्रिफला रसायन भी सेवन करवा दिया जाए तो मैं कैसा रहे? हाँ, दीपन पाचन करके, और जो वार्धक्य की चिकित्सा है, जो एंटी एजिंग जो भी द्रव्य है, सब जायज है, सब देना चाहिए, लेकिन वो भी देख के कि पचना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए, नहीं दीपन तो इतनी पाचन सारी दवाइयां दे देंगे और पचेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? सर सर एक बार कंसल्ट करके पीडीएफ में भेज देना। जी 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 देखो साहब, ये कंसल्ट तो कर रहे हैं, ये पाठक जी आपको खुद बता रहे हैं, और उससे ज्यादा क्या कंसल्ट करेंगे साहब? ये तो देखो आप, लिखो आप हाँ अपने जी पास जी नहीं पिताजी आप जी। ही बताए ना, बताइए, नस्य देना है, बस्ती देना है, बताए ना, ये दवाइयां तो आप लिख लो पिताजी की, उनकी दवाइयां वो भेज देंगे आपको। हाँ, हाँ 101 पिताजी आवर्ती वाले का बताओ। शीर वाला तेल है ना, 101 आवर्ती मृदु पाकी अगर डालेंगे पूरा बोतल का बोतल भर के नस्य, तो उससे पूरा मज्जा का स्नेहन होगा, और 1 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा, उनका शीर वाला तेल बिहेवियर, का उनका बोलने का स्टाइल, उनका अग्नि का सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे सुबह शीर आई वाला तेल। सर्वन के जितने भी वैद्य लोग हैं ना, सभी ने मेरा दवाई यूज किया है नस्य का, और सबको देखिए, सबको पॉजिटिव रिजल्ट आया, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं आया रिजल्ट। सर नस्य में शीर वाला तेल सुबह है, दोपहर में कौन सा है? एक बार शीर वाला, एक बार बचा, और एक बार ब्राह्मी तेल, वो भी 101 आवर्ती मृदु पाकी चाहिए, खर पाकी अच्छा नहीं, नहीं तो वो 2 ड्रॉप डालेंगे पूरा रेड हो जाएगा। मुझे एक वैद्य जी ने फोन किया, दोनों ट्रीटमेंट हाँ बचा तेल डालते हैं तो पूरा नाक का अंदर का म्यूकोजल मेम्ब्रेन पूरा रेड हो जाता है, ऐसा नस्य नहीं चाहिए हमें, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए नस्य कितना में। कितना बूंद डालना है? हाँ बूंद मैं तो 30 ml, 30 ml पर डे, 60 ml। और आप सर ये बात तो ये करो, अपने पिताजी की दवाई अलग लिखो और उस बच्ची की दवाई अलग लिखो। हम आप बता देंगे, हम बता देंगे आपको, पहले वो रिपोर्ट भेजिए, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, प्रोटोकॉल से बताता हूँ। पहले सर आप मेरे अपने को, उसमें हाँ मेरे सर मनीषा मैडम, ग्रुप में भेज दिए, मैं वहां देख ली हूँ। हाँ जी जरूर मनीषा मैडम लड़की के, का इलाज पाठक सर से ही करवाए, वही बढ़िया रहेगा। वो तेल आपको मिलेगा नहीं, 101 आवर्ती वाला काफी, हाँ 18,000 रुपये किलो है बाहर। वो आर्य वैद्यशाला का लेंगे ना कुट्टकल का, तो 18,000 रुपये लीटर है, और वो खर पाकी है, 2 ड्रॉप डालते हैं हेडेक होने लगता है ना, तो वो क्या है, वो फायदा नहीं करेगा। वो आपको ऐसा चाहिए मृदु पाकी चाहिए, मतलब वो कोई तकलीफ ना दे और डायरेक्ट जाए। अभी वो अभय सर बोल रहे हैं ना, उन्होंने यूज किया है, उसका अच्छा रिजल्ट है। मनीषा मैडम, जी सर। मैम आपने नस से यूज किया, उसका रिजल्ट बताइए आप। हाँ सर, मैं तो बहुत बहुत 2 साल से यूज कर रही हूँ कंटिन्यू, और लगभग 80% पेशेंट को तो मैं दे ही देती हूँ नस से। नस से सर, सर का नस से बहुत ही, आवाज चला गया। 15 ml भी डालेंगे ना सर तो इजीली पेशेंट ले लेते हैं नस से, हाँ और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, और बचादी तेलम तो संज्ञा स्थापक भी है, बहुत अच्छा है वो हाँ मैंने मनीषा मैम को भेजा था, मुझे याद है। हाँ जी। मैंने भी लिया ना सर आपका तेल, वो बढ़िया तो कुछ भी जलता काम नहीं है करता मेरा, है। हाँ मेरा दवाई जलता नहीं है, आराम से जाता है, और आप रिजल्ट देखिएगा, लोग बोलते हैं आयुर्वेद से स्लो रिजल्ट आता है, हमारा दवाई से फास्ट रिजल्ट आता है। और इसमें बीपी एक पेशेंट को 130 था, 200/, हाँ उसको इमीडिएट हाफ आवर में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 180 आ गया उसको, और इधर 100 आ गया। बीपी में भी स्ट्रेस की वजह से ऐसी नस्य बीपी में, है। नस्य से ना? हाँ हाँ जी सर, बचा तेलम का बहुत अच्छा यूज था, कभी कभी तो दोनों सैंडविच टाइप का बना करके देती, कभी छीरवला 101 को दिया, फिर ऊपर हाँ से बचा दे दिया उसमें हाँ और क्या है, जी। मेरा 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो जो नस्य देते हैं ना हम सर, वो देते ही फिट्स नहीं आएगा, ये गारंटी है। एलोपैथी का कोई भी दवाई ऐसा नहीं है, अगर आप देंगे एंटी कन्वर्जेंट दवाइयाँ, वो ज्यादा पावर की देंगे तो बोन मैरो डिप्रेशन करता है, सप्रेशन, तो
तो उसका और साइड इफेक्ट होता है बॉडी में, एंटी कन्वर्जेंट जो दवाइयां हैं, लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता और फिट्स भी नहीं आएगा, ये भी है गारंटी। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? लेकिन आप बीच में छोड़ेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पूरा इलाज करना होगा। बीच में छोड़ 1 महीना लेंगे फिर बोलेंगे नहीं करना है, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए, और अभय सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? तनिका मैम कुछ बोलना चाहती वही हैं? उनको बता रहा हो तो पाठक सर से ट्रीटमेंट लो, वही बढ़िया रहेगा। अभी मैं वो खुद ले फिर रहा हूँ ना 3-4 महीने से। हाँ सर शीरबला तेल के लिए तो मैं भी बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छे इफेक्ट उसके हैं, रिजल्ट्स हैं। और इवन नहीं, सर आपकी आम पाचन वो क्रिया लड़की सक्सेस और नहीं होगी इतनी, ये क्योंकि ये बूंद डालेंगे नहीं, 15 ml वन टाइम तो डालेंगे नहीं, हाँ, 30 ml नहीं पर सर बोथ उसका नेजल मॉडल में, है, और जो वो मैंने पहले ही लोगों को 2 बूंद डालने की 5 बूंद डालने की आदत रहती, हाँ नहीं इसी सर की वजह वो से है प्रॉब्लम ब्रश हो के रही है। साथ एक ही बार इधर आ हल्दी जाइए तेल मेरे क्लिनिक में, आइए मैं आपको सिखाऊंगा आपके हाथ से नस्से कैसे लेना है। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर डरने की बात नहीं है। हाँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं लगते चेहरे से सर, तो सच्ची बात बोले तो हाँ वो तनिका उनको मैम आप क्या लड़की बोल को रही हैं लेके आने दो वहां पे, आपके सर? यहाँ हाँ आपका कैसा चलता है जरा देखने दो, वो लेके आएंगे लड़की को। भाई हाँ फास्ट ट्रेन आती है ना राजधानी एक्सप्रेस डायरेक्ट, हाँ 12 घंटे के अंदर आ जाएगी उधर। हाँ तनिका मैडम आप क्या बोल रही थी, आपका आवाज। सर हाँ मैं बोल रही थी वो शीरबला तेल की, और जो ब्रजतु श्वेतु हर तेल है ना, हाँ उसका पेशेंट को विद इन 4 डेज रिजल्ट आया है सर, अच्छा, तो वो अच्छा था, वो काफी अच्छा रिजल्ट है उसका। ब्रंशतु और शवतु हर सर तेल का क्या रिजल्ट है सच बताइए सर। पेशेंट को साइनोसाइटिस था, और उसकी ना आईज अराउंड सराउंडिंग्स में ना बहुत ज्यादा पेन रहता था, बहुत ही ज्यादा पेन रहता था। और अच्छा मैंने उसको बोला कि तुम ये पहले ट्राई करके देख लो, मेरे मेरे से तुम 4 दिन डलवा लो, फिर अगर तुम्हें लेना होगा तो तुम ले लेना, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि पेशेंट ना यहाँ पे पहले उनको वो डेमो चाहिए होता है, तो फिर हाँ वो चीजें लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है तुम डलवा लो, तो मैंने फिर उसने डलवाया था, 4 दिन मेरे से डलवाया, वो कहती मेरी पेन बिल्कुल जो आईज के अराउंड थी ना वो सारी खत्म हो गई है, फिर वो लेके गई है मेरे से। तो हाँ तो साइनोसाइटिस ये आपने ठीक कर दिया मैम, तनिका मैम प्राउड ऑफ यू। जी जी सर मैंने सर अपने हस्बैंड का भी किया है। शोतू हर तेल का भी अच्छा रिजल्ट है, पिताजी को मेरे को 5-8 दिन में बहुत छींक आती थी और हाँ ये नेजल डिस्चार्ज होता था। हाँ मैंने वो 20-20 बूंद डाल दिए एक ही बार। अब उस टाइम से, अभी आपके पास वोमन के टाइम लेके आया था ना, अभी हाँ हाँ मैंने दिया था। हाँ 2 महीने से तो उनको सर्दी नहीं, कि ये बारिश इतनी है, वो भीगे पे भी सर्दी नहीं हुई, हाँ क्या और बोलेगा मैं इतना। दिल से चाहता हूँ कि आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़े, इसलिए मेरा दवाई यूज करिए और फिर देखिए मेरे आपका पिताजी क्या। अभी कितनी 81 रनिंग है, हाँ उनको चाला था मैं। हाँ अभी तनिका मैडम के हाथ से पेशेंट ठीक हुए तो मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि हाँ ये तनिका मैम ने इतना अच्छे से नस्से नहीं दिया। सर पर मैं आपसे पूछ के ही करती हूँ, जैसे अभी वो पेशेंट था ना नेबोथियन सिस्ट वाला, तो आपको याद होगा मैंने आपको पूछा था, हाँ तो हाँ आपने बोला था कांचनार और वो AKT दी है मैंने उसको, हाँ उसी से उसको बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ गया सर। हाँ आजकल ना ये नेबोथियन सेस्ट, बार्थोलिन सेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज, और वो पूरा मतलब, एक तो लड़की मैंने ऐसी देखी थी मैरिड थी, उसको पूरा सर्विक्स का एरिया और वजाइना का एरिया है ना वहां पे ऐसे दाने दाने थे, और नेबोथियन सिस्ट था बड़ा सा और बार्थोलिन सिस्ट भी था, ऐसे दिखता था पीवी एग्जामिनेशन में। तो फिर मैंने यही दिया और पूरा ठीक हो गई, तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि और एंटीबायोटिक काम नहीं करता सर उसमें, मतलब फर्स्ट जनरेशन देते हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिर कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है, और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। और आयुर्वेद का सूक्ष्म त्रिफला AKT दिया, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, अच्छा क्वालिटी का दीजिए एकदम ठीक ही हो जाते हैं। जी सर हनुमान सर साहब अच्छा रिजल्ट था, और पेशेंट खुश भी था, क्योंकि उसी पेशेंट की किडनी स्टोन था, और उसी को ये प्रॉब सर्विसाइटिस था, और उसी को ये नेबोथिसिस, तो उसका सारा ही क्लियर हो गया सर, 45 डेज में उसका सारा क्लियर हो गया सर। हाँ, मैं दिन रात ये सोचता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्या करूँ, मतलब मैं ऐसा क्या बताऊँ आप लोगों का कि आप लोग आगे बढ़े, मैं ये सोचते रहता हूँ। सर हम तो बहुत प्रणाम खुश सर। हैं हाँ आपके उसमें आके। मैम, थायराइड में भी बहुत यूजफुल है नस सर, बहुत। मैम 15 दिन, क्या 15 दिन में रिजल्ट आता है नस के साथ ना, मैं पंद्रह दिन बच्चा पुनः तो। नवा गुड़ुचि सत्व दीजिए और जंगली प्याज के रस की भावना। हाँ जी मैम इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि ना सर की एक थायराइड वटी आती है ना, तो हाँ वो मैंने मंगवाई थी, तो वो पेशेंट था एक, और उसका क्या था कि उसका 13 से नीचे आ ही नहीं रहा था लेवल,
और मैंने उसको अपने मतलब हिसाब से जितना मैं दे सकती थी, जो मैंने बाकी पेशेंटों को पेशेंट्स के साथ किया था उनका तो आराम से नीचे आ गया था, डाउन हो गया विद त्रिकटू और ये कांचरा गुगलू के साथ ही आ गया था नीचे। बट इसका सर वो फंस गया था, तो फिर जब मैंने आपसे मंगवाई थी तो मैंने उसको दिया था, और मैंने उसको मतलब 3 हफ्ते ये डोजेस दी है पुनर्नवा उसकी और बचाव और ये जो आपकी थायराइड वटी की थी, और उसका असर आ गया था विद इन 45 डेज उसका 6 आ गया था। तो ये हुआ मैम था नशे कल के में साथ यदि आप देंगे ना तो 1 वीक में मैम। और नशे नहीं अच्छा देते ना होगा। पेशेंट कुछ, मैंने उसको पेशेंट को नशे देने की कोशिश की पर उसने वॉमिट कर दी, फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं दूंगी अभी उसको नशे, वो मना कर देता है प्रणाम नशे सर। लेने हाँ के। जी, हनुमंत राय जी बोलिए सर, टाइम हो जी गया। सर, प्रणाम सर। सर हाँ प्रणाम सर, बताइए। एक पेशेंट का कॉल आया था अभी, तो वो दिखाने नहीं आया, उसको सर स्मेल नहीं आती किसी भी चीज की सर। हाँ तो वो मेरा एक जो तेल है ना ब्रंशतु शवतुअर तेल, मैं आपको भेज दूंगा, वो आप जी डालिए, सर, जी 7 दिन का गारंटी देता हूँ, 7 दिन में जी पूरा सर, हो जाएगा। जी सर, अभी वो कोरोना के टाइम पे भी हो रहा था ना लॉस ऑफ स्मेल लॉस ऑफ टेस्ट, तो जी सर, उसमें भी वही तेल डाला पूरा स्मेल, एक एक जो ये जो ऑल्फेक्ट्री नर्व होता है एक एक ड्रॉप से स्टिमुलेशन मिलता है, इतना बढ़िया काम होता है। जी सर, मैं ले लूंगा सर। सेकेंड हाँ फिर वो पेशेंट बोलेगा क्या है उसमें, चमत्कार हो गया, क्या हो गया कि सब ठीक हो गया, ऐसे बोलेंगे। जी सर, कंटेंट थैंक क्या यू है सर। सर उसमें? उसके मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा, लेकिन 1.5 घंटा अच्छा मेरे को टाइम देना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा हाँ सर। जी सर, दो भाग में कर लेंगे सर। हाँ मैंने वचा का प्रदमना नस्य और संज्ञा स्थापक ये चलाई, हाँ और पेशेंट ऐसे उसको नहीं आता था इसमें, और फिर हाँ बीच बीच में नस्य बदल बदल के दिया मैंने, तो हाँ एजेड थी 84 ईयर का, आ रहा है अभी इसको, आराम भी है, लेकिन ये वाला बताइएगा सर जरूर। हाँ मैंने अभी देखी, जिसको भी दिया है कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि फायदा नहीं हुआ, एक भी पूछे, ओपन चैलेंज करता हूँ, सभी बोलते हैं फायदा हुआ है। अब जिनको नहीं फायदा हुआ उसका मतलब है कि उन्होंने डायग्नोसिस अच्छे से नहीं किया, उन्होंने युक्ति यूज नहीं किया, वो हो सकता है, लेकिन वो दवाइयों का क्वालिटी अच्छा है इसलिए रिजल्ट आता है। ठीक है तो सर वो मेरी डॉटर का जो प्रवाल पंचामृत मैंने मंगवाया था वो अभी 6 साल की है, तो उसके कितनी डोजेस दूं सर उसको? आपको मिल गया क्या वो दवाई? हाँ जी सर मिल गया। आप उसको निकाल के एक बार सूंघिए, इतना वो सुगंधित है, और उसमें ओरिजिनल प्रवाल है जो समुद्र के नीचे मिलते हैं ना कोरल, वो जी ओरिजिनल मैं बनवाता हूँ, और उसमें गोदुग्ध की भावना रहती है 108 बार, इसलिए वो इतना मतलब आप ऐसे खोल के देंगे ना इतना अच्छा है। तो आप एक एक गोली या दो दो गोली दीजिए, और आप खुद खा के देखिए कैसा लगता है। किसी को जैसे हेडेक हो रहा है, अम्ल पित्त है, अल्सरेशन है, गैस्ट्राइटिस है, या फिर ड्यूओडेनल पेप्टिक अल्सर है, या फिर खाने के बाद पेट दर्द होता है, या फिर अल्सरेटिव क्रॉन्स डिजीज है, या ब्लीडिंग पाइल्स है, या मतलब ब्लड आ रहे हैं, यूरिन में आ रहे हैं, स्टूल के साथ आ रहे हैं, या खांसते टाइम उल्टी खून आ रहा है, जो भी ऐसे रक्त पित्त जैसे जो भी बीमारी है, उसमें ये प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ खिलाइए। और प्रेग्नेंट लेडीज को भी हम लोग देते हैं, बूढ़े लोगों को भी देते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, आप लेके देखिए फिर मजा आएगा। ठीक है सर, मैं अभी उसको तो देती हूँ, ट्राई करती हूँ इसके ऊपर ही, मेरी डॉटर के ऊपर, और सर इसको फिर मैं अभी एक ही टैबलेट देती हूँ है ना दूध के साथ? ठीक हाँ अब पहले आप खुद खा के देखिए कि कैसे, और स्मेल है लीजिए, ऐसा ओरिजिनल आपको पूरे इंडिया में कोई डॉक्टर नहीं देगा, या फिर कोई कंपनी नहीं देगी जो मैंने दिया है। एक जी और बात जी सर बताना चाहता हूँ कि नवीन सर का एक्सीडेंट हो गया था 1.5 साल पहले, तो उनको बोल दिया था कि आप तो पैरालाइज हो गए, तो मैंने ये शीरबला तेल, चंदनमला लाक्षादी तेल, और दवाइयों के साथ ये प्रवाल पंचामृत भी दिया था कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में, तो उनका पूरा अच्छा हो गया। अभी देखिए वो पूरा ऑफलाइन सब वर्कशॉप कर रहे हैं अलग अलग सिटी में, तो वो प्रवाल पंचामृत ने भी कैल्शियम का पूरा वो कर दिया, पूरा डेफिशिएंसी ठीक कर दिया। मतलब आयुर्वेद का इलाज करना चाहिए ना, तो ऐसा करिए कि लोग बोले वाह सच में रिजल्ट है, ऐसा बोलना चाहिए लोग। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे वैद्य लोग हैं, मनीषा मैडम भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, मनीषा सिंह मैम बहुत अच्छा काम कर रही है, तनिका मैम, अभय सर, हरिहर सर, गंगवार सर, महेंद्र सर, महाजन सर, नेहा मैम, और हनुमंत राय जी, प्रीति मैम, रोहतास जी, सब लोग का मैं बहुत धन्यवाद, अजय जी, शशि मैम, और किसका नाम नहीं बोला मैंने, और राम कुमार जी, राजकुमार जी, मैं शायद सबका नाम बोल दिया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गंगवार सर, तो हाँ महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो वीना सर ये कह मैम, रहा था, सबसे बड़ी तो आपकी मेहनत और संग में दवाइयां ओरिजिनल मिलती हैं, इसका सबसे बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि मेडिसिन हाँ खराब हो जाती है। बता था मास तेल की वो बस्ती मात्रा बस्ती दी थी मैंने, उसी से बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अब हाँ जाके डिस्कवर हुआ है।
हाँ वो सर कंपनी मेड दवाइयाँ घटिया क्वालिटी का यूज करते हैं। अभी तो आप लोगों को मालूम होगा च्यवनप्राश जो है वो शकरकंद का शुगर के ये नहीं स्वीट पोटैटो डाल के च्यवनप्राश बनाते हैं मार्केट वाले, सब डाबर वगैरह, ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो आंवला डालते ही नहीं है, सब घटिया क्वालिटी होता है, फिर उससे आयुर्वेद आप बदनाम होता है। कस्टमर वगैरह नहीं डालते, पूरा जो ये बंस लोचन वगैरह उस तरह की जो घटिया क्वालिटी का डाल देते हैं, उससे सारी दिक्कत हो जाती है वो। वही तो, ओरिजिनल दवाई होना चाहिए और संस्कार संस्कार प्रक्रिया अच्छा होना चाहिए, तब आपका प्रैक्टिस और बढ़ेगा और बढ़ेगा। सर एक चलिए एवियन का केस आया है, उसको हाँ अभी लिया है मैंने, हाँ और उसको हेल्प चाहिए, उस समय आपको बस्ती वगैरह के लिए कर देंगे तो। हाँ 5-6 साल से बैलूर से चल रहा है उसका ट्रीटमेंट। मैं आपको 101 आवर्ती का शीरबला भेजता हूँ और चंदनमला लाक्षादी तेल, आपका जी पेशेंट एक महीना में बोलेगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आया। हाँ सर, वो 5-6 साल से परेशान है, बैलूर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कोई पेशेंट उसको बताया तो आया है। आपने रिपोर्ट्स भेजे, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। मैं भेज देती हूँ सर। आप याद करें मनीषा मैम, आपने जो भी केस चैलेंजिंग केस लिया, मैंने जो बताया उसमें रिजल्ट आया अभी तक। हाँ हाँ जी सर, हाँ सर ठीक है मैम, एक दिक्कत यही आ रही कि हर आदमी को चाहिए सस्ता, वेट कैसे करें, इस पे भी आप हम लोग एक बार आप मंथन बताइए, करेंगे। एवीएन का पेशेंट अगर सर्जरी कराने जाएगा ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तो वहां पे जी कितना खर्चा आता है वो कैलकुलेट करिए, तो वो लोग उसके नहीं, वो नहीं समझते सर, वहां दे देंगे पूरा दे के आते हैं। हम लोग को यही कि हम लोग के पास नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा बढ़े और कुछ ऐसा मैनेजमेंट बनाए हम लोग जिसको कि हर तरह से हम लोग आप जो भी। भी ट्रीटमेंट देंगे उसमें अपना लॉस नहीं होना चाहिए, बस ये सोचिए, हाँ सर जी, समाज इतना की सेवा करनी है लेकिन अपना लॉस नहीं करना है। कर लो, जी इस जी तरह के पेशेंट से पैसा लेने पड़ेगा, बाहर जाएगा तो उसका तो बहुत पैसा खर्च होगा, वो तो आराम से ही आपको पैसे देगा, हाँ, काम नहीं। उससे अच्छा पहले आप पूछते हैं ऐसे ही कितना कटिए, लगेगा, अभी रिपोर्ट देखे भी नहीं कुछ भी नहीं, कितना खर्चा आएगा। नहीं उससे अच्छा आप ऐसे ही बैठे रहिए लेकिन अपना घर का पैसा लगा के इलाज नहीं करना है, हमारा सर, पेशेंट का पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। पूरा कहीं से भी लाके उसका, यदि आप पूरा बताएंगे उसको किस तरह से खर्च करना, तो अपने आप देगा सर। सर ऐसी दिक्कत नहीं कि उसके जाते हैं जी भाई, इसमें तो खर्चा भी आएगा, क्यों अपना अपनी सारी जो मेडिसिन है वो देगा तो महंगा पड़ेगा ही, वो तो स्वाभाविक बात है। हाँ ना, और एवीएन है, अवैस्कुलर नेक्रोसिस, आसान नहीं है, वहां पे अब पूरा तो नेक्रोस्ट हो गया है महंगा पूरा। है, आप चीर वाला तेल 100 आवर्ती कम महंगा है, उसको देंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया सर, और डिसलोकेट भी है बिल्कुल, वो पैर भी उसका एक दोनों पैर में साइज भी छोटा हो गया उसका। आप महीने का 1 लाख रुपया लीजिए और बोलिए मैडम, मैं नहीं या तो वो आया है आपके पास फ्री में कराने के, भाई ये तो बैठते हैं पैसे ही कर देंगे सही तमाम, फ्री में बिना नहीं पैसे के आप क्या क्या साधु संत है क्या मैम, जो वो ऐसे सब प्रिस्क्राइब करके दवाई नहीं पेशेंट आता है तो खूब सर। पैसा साधु संत लगता तो 5 स्टार में रहते हैं, बिजनेस क्लास में चलते हैं, हम लोग नहीं चल पाएंगे। पहले के ऋषि मुनि साधु संत थे, वो क्या करते थे कि वो वनस्पति लाते थे जादू मंत्र करके और दे 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 जाओ ठीक हो जाओ, नेष्टी की चिकित्सा। वो तो अपने ऋषि मुनि रिसर्चर थी हाँ वो ठीक जी। है लेकिन आप नहीं करते, आपको तेल लाना पड़ेगा, आपको अपना डिस्पेंसरी चलाना है, टैक्स भरना है, हर चीज में खर्चा, जीएसटी लगता है, कैसे करेंगे? अपन टाइट कर देंगे ना, पैसा देगा पेशेंट इस तरह का, तो फिर और तो सीरियस मेरे से बोलते हैं कि आप फीस कम करो, मैंने कहा कि पेट्रोल जो रेट पे मिल रहा है ना उसको 10 रुपए में करके लाओ तब मैं करूंगा। सर। यदि जी जी कैंसर का पेशेंट आ जाए या ब्रेस्ट कैंसर का, वो पेशेंट वो उस पेशेंट से आप 1,50,000 1.5 लाख 2 लाख कुछ भी ले लो, वो खर्च करने को तैयार रहता है कि उसे पता है आगे समस्या समस्या होनी है। हाँ नहीं, बस एवियन बहुत मुश्किल है सर, एवियन भी आसान बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। एवियन आसान बीमारी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो पैसा देगा एक बार हाँ नहीं 36 बार देगा। हाँ और आप बोलिए ना, मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ, बिफोर ट्रीटमेंट बस आफ्टर ट्रीटमेंट देखो। हाँ सबसे बड़ी बात यह रिजल्ट की, को आप रिजल्ट दिखाएंगे, आप अभी तो 10 दिन एक 10 दिन में या 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, उसके बाद में आप आगे बढ़ना। यदि 15 दिन हाँ में आपको तो आप अपने घर हाँ जाना एक तो नहीं फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, उठना बैठना सब ठीक होगा, वो शीर वाला तेल सर। तो पेशेंट इसका देगा। सबसे बड़ा कारण यही है, अपन यदि जैसे किसी को कहते हैं पेशेंट को 15 दिन में रिजल्ट देंगे, अपन 15 दिन में कुछ रिलीफ मिल जाएगा, चाहे 5% मिले 10% मिले। और दूसरा बात क्या है कि आपने रिजल्ट दिखाया ना, फिर आप पेशेंट को भगा भी देंगे ना, तब भी आएंगे कि नहीं मैम आप ही करिए। बिल्कुल सही है, यही वो तो कंडीशन है। आते हैं सर, जो जो अगले कई ऐसे रहते हैं जो मतलब हमको 60% ऐसे ही लग रहा है कि लोगों में बस कुछ कोई बात महंगा नहीं, पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है कोई बात नहीं, ऐसे आप ही। अपना घर भी बेच के दे देंगी ना, भूखे भी रहेंगी ना, तो लोग तो को भी दया नहीं आएगा आप पे। मोदी जी ने सब कुछ कर दिया, फिर भी कहाँ, पब्लिक वैसी ही है। हाँ
ठीक बोले सर जी। भगवान से नहीं होते, तो हमें अपना लेना है और हमें ठीक भी करना है, और हम अपना जी मेहनत जी कर लेंगे। पेश मध्यम मार्ग रहना चाहिए, ना फ्री करना है ना लूटना है, मध्यम मार्ग, वो भी खुश हम भी खुश। ये आयुर्वेद को शामिल कर लिया उसमें, एनबीएच वगैरह में, जो अपना ये आयुष्मान कार्ड वगैरह योजना में, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। उसके शामिल करने से अब अपन लोगों को फायदा मिल जाएगा। उस कार्ड अपन उसको जोड़ लें अपने हॉस्पिटल को, तो उससे अपन को फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सबके पास कार्ड है वो फ्री योजना में जो आते हैं ना इस आपके तरह यहाँ के। ना मनीषा मैम, आपका एक ब्रांड है जहां पे आप काम कर रही है ना, तो वहां पे आपका ब्रांड है, तो उसका क्वालिटी मत लो करिए कि आप सस्ता में कुछ भी दवाई दे रही हैं तो पेशेंट पे वगैरह, ऐसा नहीं, ब्रांड रहना चाहिए हमेशा। नहीं सर, वो कई जगह ऐसा लगता है पेशेंट जैसे लेके उन्मत्त आ है रहा ना है। वो पेशेंट, हमें नहीं चाहिए। आड्यो रोगी बिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वानपि, वो हमें नहीं चाहिए। हम जितना कर सकते उतना ही करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट क्यों करें। फिर जी, एनर्जी तो बहुत लगती है सर, और बहुत दूसरा ज्यादा बात, सबसे। वो अगर लेना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट रन जो हॉस्पिटल है ना वहां पे जाएं और हाँ वहां पे, वहां जाना। जी, हम नहीं कर सकते। ठीक और है क्या है सर, ना, यहाँ पे लोग गरीब बोलते हैं, हम यहाँ गरीब हैं, लेकिन जाके दूसरे जगह टेस्ट कराएंगे वहां पे सर देंगे। बैलूर में कम लगता है, जाना आना उसको, वहां ट्रीटमेंट लेना, सारा चीज कराना, एमआरआई कराना, वहां से और करा रहे प्लेन हैं। प्लेन से उड़ेंगे, प्लेन से जाएंगे आएंगे, उसके लिए पैसा है, लेकिन डॉक्टर को नहीं देना। अभी ठीक है क्या है सर, ना, हमारे सर ये सिखाते हैं कि हर इंसान जो है अपनी कीमत खुद फिक्स करता है कि वो उसका क्या वैल्यू है। अगर आपकी वैल्यू आपकी नजरों में कम है तो आप कम फीस में करिए, आपकी वैल्यू आपके नजरों में ज्यादा है तो आप ज्यादा फीस करिए लीजिए। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है, 10:15 हो गया, बात करते हैं। जी। ठीक है, अभी आप लोग खा पी के सो जाइए, सुबह फिर सेशन होगा माधव निदान का, सब लोग नहा धो के और फिर आइए, माधव निदान पढ़ेंगे फिर अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। अभी हम सेशन बंद करते हैं, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी।